उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है, जिसके तहत बरेली में भी प्रशासनिक टीम ने राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं। आचार संहिता लगते ही नगर निगम की टीम ने सबसे पहले सरकारी भवनों पर लगे सरकारी बैनर पोस्टर हटाए, उसके बाद शहर के चौक चौराहों समेत गली मोहल्लों में लगे राजनीतिक बैनर और पोस्टर हटाए। होर्डिंग और बैनर हटाने की कार्रवाई को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हमारी टीम ने राजनीतिक बैनर पोस्टर हटा दिए हैं। वहीं सभी तहसील क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग से जैसे ही निर्देश मिले हैं उनका अनुपालन शुरू करा दिया है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान अब सिर्फ अनुमति के बाद ही राजनीतिक बैनर पोस्टर लगाए जा सकेंगे। 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके तहत किसी भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इन सब का सार्वजनिक प्लेसों पर बिना अनुमति लगा रहना ठीक नहीं है। उसी के तहत ये कार्रवाई आचार संहिता के अनुपालन में कराई जा रही है। कहाँ शहर से देहात तक कहाँ चलाई जा रही है? सभी जगह, हर सभी विधानसभाओं में ये कार्य किया जा रहा है और उसके आरओ उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसका अनुपालन करा रहे हैं।